शक्ल से एकदम मिडिल क्लास बहन जी। अकल है, ऐसा लगा नहीं था, पर तुम तो सरप्राइज पैकेज निकली ना, सुपर शॉकिंगली बट स्मार्ट निकले तुम। पता चल गया तुम्हें, अब जा सकते हो, दरवाजा एकदम पीछे है। आउट। पता है मुझे दरवाजा कहाँ है, सैम के साथ वन ऑन वन गेम खेल रही हो ना, तो अपना अपना ये स्मार्टनेस का लेवल थोड़ा बढ़ा लो, क्योंकि तुम्हें मैं जीतने नहीं दूंगी। पता नहीं है तुम्हें, पता नहीं है कि सैम किस हद तक जा सकती है सामने वाले को हराने के लिए। चिल्ला क्यों रही हो, बहरी नहीं हूं मैं तुम्हारी तरह, सुन सकती हूँ, या फिर पूरे मोहल्ले वाले को इकट्ठा करना चाहती हो। हम शरीफ लोग हैं, पर तुम्हें तो जाहिल गवार भी नहीं बोल सकते। जब पता है कि किसी को तुम्हारा यहाँ आना पसंद नहीं है, तो बार बार मुंह उठा के क्यों चली आती हो? सुनो, मुझसे बात करो तुम। सैम को मैं लेकर आया हूँ, बच्चों से मिलना है, बाहर सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि आज बच्चे यहाँ पर है। संगत का असर पड़ता है बीजी, घर के बाहर जासूसी करने लगा आपका पुत्र। चलो कुछ तो कर रहा है जिंदगी में। कल ब्रेकफास्ट के बाद आई बाबा के घर आ जाना, बच्चों से वहीं मिल लेना। ठीक है, हम कल मिलने आ जाएंगे बच्चों से। कम हम नहीं, सिर्फ तुम मिल सकते हो ऋषि रोली से। क्यों, मैं क्यों नहीं? हाँ, डर लग रहा है कि मैं उनसे मिलूंगी तो तुम्हारा भांडा फूट जाएगा। आज कल परसों जब मन करेगा ना, तब मिलने आऊंगी बच्चों से। कुलदीप ऋषि रोली का बाप है, तुम कौन? मुझे मिलना है, मिलना है, मिलना है, मुझे मिलना है बच्चों से। रिलैक्स, मिलना है ना तुम्हें? दूंगी मैं मिलने। पर उसका दाम लगेगा। आई न्यू इट। ये लो, ये भी लो, और ये भी लो। क्या बेची, घटिया सोच। क्या सैम, दाम मतलब सिर्फ पैसा ही होता है क्या? दाम क्या है ये सुन लो, आज घर में नौकरानी नहीं आई तो तुम्हें झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन डस्टिंग कटका सब करना होगा। जैसे काम खत्म कर लोगे ऋषि रोली से मिल लेना। कैसे बोल रही हूँ, मेरी बेटी की तरफ आंख उठा के भी देखा ना, आंखें निकाल के प्लेट में धर देनी है मैंने। आई बड़ी, नमो नजर। याद है तुम्हें सैम, जब मिस्टर राज्याध्यक्ष के सामने तुमने मुझे नौकरानी बनाया था? कुछ भी करो, लेकिन जब मिस्टर राजदक्ष घर आए तो हमारे घर की मेहमान नवाजी और घर के खाने से वो खुश होने चाहिए, दैट्स इट। और उन्हें जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए कि समायरा मेरी बीवी और ऋषि रोली की मम्मा नहीं है। शुभ्रा, जूस गिर गया है, आकर क्लीन कर दो। ये आपकी शीजा मेड। वो मेड नहीं, हमारी मम्मा है। मैंने सब कुछ किया था बीजी कुलदीप के लिए, अब देखना ये है कि कुलदीप के लिए, अपने लिए, बच्चों से मिलने के लिए सैम एक दो घंटे के लिए नौकरानी बन सकती है या नहीं। सोच ले, आज ये ऑफर,
क्या पता कल शुभ्रा पूरे सोसाइटी की सफाई करने को क्या दे। कुलदीप का क्या है, वो तो कभी भी मिलेगा बच्चों से, बच्चों का पापा है वो। और तू, तेरा तो पत्ता साफ। बस बहुत हुआ, चलो साहब हम बच्चों से कल वीडियो कॉल पे बात करेंगे। कम पापा आप सेल्फिश हो, पर हर्ष वो मेरे साथ खेलते हैं, मुझे समझाते हैं। हर्ष मेरे ही नहीं, आई की भी फ्रेंड है। आप आई को रुलाते हो, हर्ष अंकल आई को हंसाते हैं। मैं हर्ष को कभी भी फोन करके बुला सकता हूँ, पर पापा आप तो इतने दूर चले गए हो हमसे कि अब तक हमारी आवाज ही नहीं पहुंचती है। हर्ष को पता है कि मैं किस चीज से सैड होता हूँ, किस चीज से हैप्पी होता हूँ, पर पापा आपके लिए तो सैम आंटी और आपकी लाइफ ही इम्पोर्टेंट है ना। इसलिए तो आप उनके साथ रहते हो, हमारे साथ नहीं। आपकी लाइफ सैम आंटी है, पर हमारी लाइफ में आई और हर्ष है। वन लास्ट क्वेश्चन है। इनफ सर, मिल गया जवाब। तुम्हें भी और मुझे भी। चलो यार। अरे चलो, पता नहीं और क्या क्या लिखा है हमारे नसीब में। दादा हर्ष बहु वाले। अरे हर्ष आओ बैठो। ये चल अजून एक चाह घेऊन ये। होय बैठिए ना। वो गाना है ना, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। ये गाना लड़की गाती है। थैंक यू। मुझे पता है मुझे किसी ने चाय पर नहीं बुलाया है। झूठ मूठ की सगाई हो गई, लेकिन इस झूठ का मकसद सच्चा है और अच्छा भी। बेटा तुम्हारे मन में जो कुछ भी है ना, कहकर मन हल्का कर लो। मैं आप दोनों को यकीन दिलाने आया हूं कि हर हाल में आपकी बेटी शुभ्रा के साथ मैं दोस्ती निभाऊंगा। भावनाओं में बह जाने वालों में से नहीं हूं मैं। आपसे, शुभ्रा से, ऋषि रोली से जो मेरा रिश्ता बना है वो मेरे लिए अनमोल है। मैं उसे कभी खोना नहीं चाहूंगा। बस यही कहना चाहता हूं कि दोस्ती दोस्ती ही रहेगी। खड़े जो। आओ खड़े जो। लेकिन हुआ क्या? दुनिया की सारी समझदारी का ठेका हम लोगों ने लेकर रखा है, मगर हमसे छोटे भी बहुत कुछ सिखा जाते हैं। थैंक यू हर्ष, आज की पीढ़ी का नजरिया सिखाने के लिए और यह समझाने के लिए कि दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता दोस्ती का है।
थैंक यू। हाय दैया, भैया जी आपने गाना काहे बंद किया है? अरे अभी मौसम है नाचने गाने का। ठीक है। अच्छा अब आप ये बताइए कि अब से हम आपको क्या कह के बुलाए? सैया जी? हमरा मतलब कि हमरे दीदी के सैया जी या जीजा जी? से चुप कराओ। ये लो बेटा जी। थैंक यू। इतने सारे मेल भेजे, एक का भी जवाब नहीं दिया कुलदीप ने। नॉर्मली वो ऐसा करता नहीं है। सीक्रेट मेल आईडी पे अभी तक कुछ आया भी क्यों नहीं? क्या कर रही हो? शायद नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम हो। शुभ्रा, नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि कुलदीप ने ईमेल चेक ही नहीं किया हो। लैपटॉप में कोई मैजिक तो है नहीं। कल ऋषि की बात सुनकर कुलदीप को बहुत बुरा लगा होगा। पता नहीं किस हाल में होगा। बस एक बार बात हो जाए उससे, पता चल जाए कि ठीक है वो। ये मैंने क्या कर लिया अपनी जिंदगी का? क्या करूं मैं? जो कुछ हो रहा है आज मेरी जिंदगी में उसका जिम्मेदार मैं हूं। सबको अपनी जिंदगी से दूर कर दिया मैंने। रोली मेरी बच्ची, मेरी जान थी वो। वो मुझसे बात नहीं करना चाहती है। और ऋषि, उसके दिल में तो नफरत है मेरे लिए। शुभ्रा मेरी मदद कर रही है लेकिन सैम तो उससे भी दो कदम आगे निकले। अब कौन मदद करेगा मेरी? गन्नू पापा है मेरे बेस्ट फ्रेंड। मैं जब भी परेशानी में होता हूँ मैं इनसे बात करता हूँ। आप भी इनसे अपनी परेशानी शेयर कर सकते हैं। आजबा कहते हैं ये विघ्न हरता है, मतलब ये सारी परेशानी दूर कर देते हैं। ऋषि मेरे बच्चे, मैंने तुझे इतना दुख दिया और तूने ही मुझे ये गन्नू पापा का सहारा दे दिया। कुलदीप का वीडियो है। कल घर आते ही मैंने सैम को बहुत सुनाया। उस सुसाइड वाली बात के लिए मैंने उसे जिम्मेदार ठहराया। उसके बाद मैं पीता चला गया और सुबह जब होश आया, आंखें खुली तो देखा सैम ने रातों रात शादी की तैयारी करके रखी है। शादी? कमरे के बाहर उसने गार्ड बैठा के रखा हुआ है और घर के बाहर भी।
मुझे हर तरफ से घेर के रखा हुआ है। शायद घंटे भर में सगाई और शादी दोनों हो जाएगी। I don't have any options, Shimra. मैं जानता हूँ कि तुम्हारा प्लान हफ्ते के बाद का है, लेकिन अब कैसे भी करके तुम्हें अभी उसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। प्लीज शिमरा, just come here and help me out. Please save me. तैयार होइए सर, शादी का टाइम हो रहा है। पहले तो ऐसी चाल चली है, हमारी सारी प्लानिंग फेल हो गई। अगर आज ही शादी हो गई तो क्या कर पाएंगे हम लोग? बीजी, अपनी सारी फिक्र मेरे सर पे डाल दो। प्लान सारा रेडी है, बस हफ्ते भर पहले एक्टिव करना होगा। शादी चाहे किसी भी दिन हो, मैं सैम को जीतने नहीं दूंगी। अच्छा है बीजी के जल्दबाजी में वो खुद हमारे जाल में छलांग लगा चुकी है। क्या करेगी तू? तो आप कुछ समझ में नहीं आ रहा। शादी में न्योता दिया था ना सामने, चलो शादी में लड्डू खाने का टाइम आ गया। आखिर शादी में ही सबसे बड़ा हिसाब करना है। बस कुलदीप को हिम्मत बनाए रखनी पड़ेगी इन सबसे गुजरने के लिए। शादी में जाओगे कैसे? तुम दोनों दरवाजे पर मुस्टंडे खड़े रखे होने हो। बोला तो था कुलदीप, अब भी तो बीजी आप बस देखते जाओ कैसे चूहों की तरह बिल बनाकर घुस जाएंगे। प्रिंस बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। पंडित जी, रिचुअल्स के हिसाब से शादी संपन्न हुई है, पर लीगली ये शादी तब तक वैलिड नहीं है जब तक रजिस्टर नहीं हो जाती। इसलिए मैंने रजिस्ट्रार मिस्टर पाठक को बुलाया है। मिस्टर पाठक। आ रही है लक्ष्मी 3 अगस्त से सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे। पति पत्नी दोनों की तरफ से दो दो विटनेस चाहिए और उनके साइन भी लगेंगे। ओके। मिस्टर चड्डा। हेलो। कायदे से शादी अभी पूरी नहीं हुई है। बीवी की सुनो, कायदे से रहोगे और फायदे में भी। साइन कर। कम ऑन। मिस्टर कुलदीप चड्ढा। अगर सिग्नेचर कर भी दोगे तो भी फायदा तो भूल ही जाओ। कायदे से सजा भुगतनी पड़ेगी। वाह, व्हाट अ सरप्राइज। आई मीन मैंने रातों रात शादी की तैयारी करके कुलदीप को सरप्राइज कर दिया और आप सबने यहां आकर मुझे सरप्राइज दे दिया। ग्रेट। अब आप सब लोग आ ही गए तो वेलकम टू द वेडिंग ऑफ मिस्टर कुलदीप चड्ढा एंड मिसेस समायरा कुलदीप चड्ढा।
वैसे भी कुलदीप को दो विटनेस लगने वाले थे, अब उसकी एक्स वाइफ भी यहाँ है और एक्स वाइफ का होने वाला हस्बैंड भी। व्हाट एन इंटरेस्टिंग सीन। आई मीन मामा नंबर वन विटनेस फॉर पापा नंबर वन एंड पापा नंबर टू विटनेस फॉर मामा नंबर टू। कम ऑन मामा नंबर वन एंड पापा नंबर टू, मीट माई हस्बैंड एंड योर एक्स मिस्टर कुलदीप समायरा चड्ढा, न्यू ट्रेडिशन यू नो। ट्रेडिशंस बदलने का बहुत घमंड है ना तुम्हें। मीडिया भी बुला रखा है तुमने और फुदक रही हो मेंढकी की तरह। बेचारी मेंढकी कहां एक फुट से ज्यादा आगे बढ़ पाती है। अब तुम देखना कि जो कैमरों के जमघट खड़ा किए ना तुमने, कल सुबह फ्रंट पेज पे ये कौन सा न्यूज छापती है। तुम्हारी ये दो मंगलसूत्र की या मिस्टर रजिस्ट्रार, शादी रजिस्टर करने से पहले आपने पता किया कि मिस्टर कुलदीप चड्ढा की पहली शादी लीगली इनवैलिड है या नहीं। डिवोर्स की डिग्री है इनके पास। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, डिवोर्स पेपर्स पे सिर्फ हमारे सिग्नेचर्स हुए थे। डिवोर्स को कोर्ट से मंजूरी नहीं मिली। लीगली मिस्टर कुलदीप चड्ढा आज भी मेरे पति। यह शादी इलीगल है। मैं और हर्ष कभी शादी करने वाले थे ही नहीं। इट वॉज जस्ट अ ट्रैप। एक साल तक तुम लोग कुछ सेलिब्रेट नहीं कर सकते। बहुत मजा आ रहा तुम्हें तड़पता हुआ देखकर। तुम चाहती हो ना कि कोर्ट में मैं डिवोर्स के लिए हां कह दूं? तो तुम मेरी सारी शर्तें पूरी करोगे। दीदी दीदी, आपने कल से ना कुछ खाया है ना पिया है, ऐसे ना करो दीदी। कुछ पी लो, कुछ खा लो, ऐसे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप गिर जाओगे चक्कर खा के। लो ये चाय पी लो। मुझे नहीं पीनी, जा यहाँ से। दीदी पी लो। अरे जा रहे यहाँ से, सुनाई नहीं देता तुझे। डैन, आप एडवोकेट खन्ना प्लीज, प्लीज हैव अ सीट। मैं जानता हूं मिस्टर खन्ना तुम्हारे ट्रस्टेड लीगल एडवाइजर हैं, इसलिए मैं यहां इन्हें लेकर आया हूं। फिर की फाइल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन सच शॉर्ट नोटिस। कंप्लीटली ऑल राइट, डोंट वरी, रियली अप्रिशिएट इट। दीज आर द पेपर्स। ये पेपर्स टॉयलेट पेपर के काम के हैं बस। शुभ्रा जी जो कह रही थी लीगली एकदम करेक्ट है, बिना डिवोर्स डिक्री के सेकेंड मैरिज इनवैलिड है। और अगर फर्स्ट वाइफ चाहे तो पनिशेबल ऑफेंस भी। मिसेस चड्ढा, इतने बड़े बिजनेस एम्पायर की मालकिन हैं और आप इतनी सिंपल लीगल बात नहीं समझ पाई। पहले मुझसे एडवाइस ले ली होती तो ये इतना
तमाशा नहीं होता। वो क्या है ना मिस्टर खन्ना कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, और कितना वेट करें हम। लिसन मिसेस चड्ढा, आई एम नॉट इट मिसेस चड्ढा। काम डाउन, रिलैक्स सैम, रिलैक्स। तुम अब भी मिसेस चड्ढा हो, ओके? कल ही हमारी शादी हुई, बस एक लीगल हर्डल हमें क्रॉस करना है, दैट्स इट, राइट? मैं कब तक वेट करूंगा? कितना इंतजार करूं मैं मिसेस चड्ढा बनने के लिए? वो शुभ्रा एक के बाद एक प्रॉब्लम खड़ी करती जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, जब तक आपका डिवोर्स नहीं होता तब तक आप साथ रहे या ना रहे आपकी शादी इलीगल रहेगी। फिलहाल मैं चलता हूँ, कोई और जरूरत हो तो आप याद कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बेटा मम्मा देखो ना, मैं अभी काम कर रही हूँ, बोलना। नहीं मम्मा, पहले आप मेरी तारा को देखो, कब से छींक रही है, सर्दी हो गई है, बुखार आ जाएगा क्या? हाँ ये जाना है बेटा, बुखार। शुभ्रा जी, इस तेज बारिश ने ना नाक में दम कर रखा है, ऊपर से वो जो आइसक्रीम खाई थी, ठीक है कि रुक ही नहीं रही। सियाप्पा दादी, मेरी तारा को भी सेम टू सेम हो रहा है। हैं? दिखा दिखा दिखा। अरे ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, इसका तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। रब्बा। पीजी, आपके छींक और सर्दी दोनों का इलाज है मेरे पास, अभी हल्दी और काली मिर्च का काढ़ा बनाती हूँ और जुखाम गायब। हल्दी वाला काढ़ा, भाई बचपन की याद दिला दी तूने। पता है जब मैं छोटी थी ना, बहुत शैतानिया करती थी, भीख के घर में आती थी और उसके बाद क्या, चीकों पे चीके, चीकों पे चीके। फिर मेरी बीजी ना हल्दी वाला काढ़ा पिलाती थी, असली वाली हल्दी का, ये आजकल की पीले कल। क्या कर रहे हो कुलदीप, दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है बेबी? मतलब तुम्हारे जो मसल्स है ना अब भी टाइट है, इतना स्ट्रेस क्यों लेती हो तुम? हा? कितना अच्छा प्लान बनाया था हमने, हनीमून पर एंजॉय कर रहे होते हैं, पर शुभ्रा ने 7 जन्मों का बदला निकाल लिया, सारे सपने चकनाचूर कर दिए उसने। रिलैक्स बेबी, फिजियोथेरेपी जानता हूँ मैं, सारा स्ट्रेस जो है ना निकाल दूंगा मैं, बस तुम रिलैक्स करो। मुझे क्यों फोन कर रही है? मुझे कोई बात नहीं करनी, फोन काट दो, काट दो, जस्ट काट द फोन। हाँ बोलो, क्या काम है, क्या बात करनी है? बहुत हो गया आराम, अब शुरू होंगी मेरी कमांड्स और डिमांड्स। एक एड्रेस भेज रही हूँ। कुलदीप, तुम्हारी वो आधी अधूरी बीवी है ना, उससे कहना उस एड्रेस पे जल्द से जल्द पहुंचे। अधूरी वाइफ मतलब? अधूरी इसलिए क्योंकि उसने आधी शादी तो कर ली, तब तक अधूरी रहेगी जब तक कोर्ट हमें डिवोर्स नहीं दे देता। ऐसी अधूरी बीवी को और किस नाम से पुकार?
ये ड्रेस अनंत का है। मैं बच्चों को लेके अनंत के घर जा रही हूँ। मुझे और बच्चों को वेट करना पसंद नहीं है। तुम दोनों जल्दी पहुँचो, नहीं तो। समझदार हो तुम। समझते क्या अपने आपको? सैम, तुम कैसे इतनी कूल हो? तुम्हें शुभ्रा पर गुस्सा नहीं आ रहा? शुभ्रा को लगता है कि वो किसी स्टेट की रानी है और हमें कमांड्स दे रही है, पर अगर वो रानी है तो सैम महारानी है। वो चाहती है कि मैं अनंत और वेदिका से मिलूं। मिलूंगी, पर उनके घर नहीं, यहां मेरे घर पर। तुम मुझे रिसेप्शन और हनीमून का गिफ्ट देना चाहते थे ना? मत दो। तुम बस मेरे लिए ये करो कि वेदिका, ऋषि और रोली को यहां ले आओ। इसी बहाने तुम्हें भी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा। क्या हुआ, बच्चों से मिलना नहीं चाहते? तो जैसा कहा है वैसा कर। यस। अनंत प्लीज, आने दो उसे। अकेले तो आए नहीं होंगे? सैम कहाँ है? वो नहीं आई है। वेदिका, तुम अपने नए टॉयज नहीं दिखाओगे ऋषि रोली को? जहां से तुम लोग तीनों लग रहे हो। सैम चाहती है कि बच्चे मेरे साथ घर चले, तीनों बच्चे। वो तीनों से हमारे घर मिलना चाहती है। नामुमकिन। मेरी शर्त ये थी कि वो वेदिका से मिलने यहां आएगी। वेदिका समीरा से मिलने कभी नहीं जाएगी। शुभ्रा, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। हमारे प्लान को कामयाब करने के लिए मुझे उसकी मर्जी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और तुम लोग डर क्यों रहे हो? मैं हूं ना, मैं ऋषि, रोली और वेदिका के साथ कुछ गलत होने नहीं दूंगा। कुलदीप, तुम पर भरोसा कर सकते हो, सैम पे नहीं। शुभ्रा, कुछ गलत नहीं होगा, ट्रस्ट मी प्लीज। हमारा मकसद है कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो, और हमारे पास कुछ ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। या तो हम पीछे हट जाए और सैम को वापस मुंबई लौट जाने दे, या फिर मुझ पर भरोसा रखो, तीनों बच्चों को मेरे साथ भेजो। मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा किसी के साथ भी।